स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। तेल में लगी आग। कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी की है। लगातार 16 दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों में चिंताजनक स्थिति पहले से बनी है और रोजाना पेट्रोल और डीजल के नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। दामों के रिकॉर्ड मरीजों की संख्या जो सामने आ रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल में जो दामों की बढ़ोतरी हो रही है वो समझ से परे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहा है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो यहां पर 16 दिन पेट्रोल की कीमतों में 33 पैसे इजाफा, जबकि डीजल के दामों में 58 पैसे की वृद्धि हुई है। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं, ताजा दाम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर पिछले 16 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। ऐसे में विपक्ष ने निशाना लगातार साधा है प्रदेश सरकार पर। सारे लोगों के व्यापार बंद हो गए हैं, सारे लोगों के काम बंद हैं, नौकरियां जा रही हैं, किसानों की हालत दयनीय है, मजदूर परेशान हैं। और ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डीजल और पेट्रोल के लगातार दाम घटते 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 ही चले जा रहे हैं और वहां पर हमारी भारत सरकार बढ़ाकर 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 इस हालत तक लेके आई है कि आज 10 रुपये लीटर डीजल और 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी के समय में बड़े जोर शोर से नारे लगा के कहा करते थे कि बोलो बढ़ना चाहिए कि नहीं, बढ़ना चाहिए कि नहीं, बढ़ना चाहिए कि नहीं। लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, और आज वही प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हैं। और वो उस हालात में उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा था और यहाँ पर उसके बावजूद भी सस्ता था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौड़ी के दाम जो है तेल मिल रहा है और यहाँ पर आप निरंतर बढ़ा रहे हो। देश को इस पर आवाज बढ़ाना चाहिए। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो 2 मिनट में ये हमें देशद्रोही साबित करने पर उतारू हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ अगर आप क्या बोलते हो, सच्चाई आप क्या सामने लाते हो, राष्ट्रभक्ति की परिभाषा इसी से इनकी बनती है। तो ऐसे लोगों से हमें आवश्यकता नहीं है। जो जनता के खिलाफ निर्णय हो रहे हैं उसकी तो खिलाफत हम लोग करते रहेंगे। और डीजल पेट्रोल का जहां सवाल है इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, वरना जन आंदोलन होगा। कांग्रेस नहीं, आम जनता भी सड़कों के ऊपर खड़ी होगी। तेल में लगी आग। लगातार 16वें दिन ये इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल के दामों की अगर हम बात कर लें। बहरहाल तो मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे परिचय हम करवाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो मेहमान जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और शशिकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शशिकांत शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन पर मिश्रा जी शुरुआत ऐसे होगी कि साफ तौर पर 16वां दिन था ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने का, भले से 10 पैसे बढ़ाई है तो 10 पैसे आप 365 दिन तक बढ़ा दीजिए एक ही बार में 300 बार। तो विपक्ष का लगातार हमला जारी है। ये जो कीमतें हैं अभी जो हो रही हैं ये उम्मीद थी कि इतनी होंगी, क्योंकि बीच में हम जब अपने देश में लॉकडाउन लगा था खपत काफी कम हो गई थी, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे हम कंट्रियों की बात कर ले कोई डीजल पेट्रोल को पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब अचानक से एकदम से क्या पेट्रोल डीजल से वसूलना है सरकार को? देखिए अंकुश जी तो सरकार आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह फेल हुई है। ये हमारा आरोप नहीं है, ये आपने भी देखा है किस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट रात रात बढ़ा करके ये क्या करना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। देश को अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर ये लगातार टैक्स
69% टैक्स कभी सुना था आपने कि पेट्रोलियम पदार्थों पर कोई सरकार लेगी? नहीं, बदतर स्थिति में सरकार है लूट में खसोटने के मामले में, चमड़ी तक उतार लेना चाह रही है ये मजदूरों की, किसानों की। इस तरह से रेट हमने कभी नहीं देखा कोई सरकार ने बढ़ाए, हिटलर शाही पर उतर आई। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा जो लगातार रेट बढ़ाते जा रहे, आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल को कौड़ियों के दाम कोई पूछ नहीं रहा, तब सरकार के ये हाल है। जब हमारी सरकार हुआ करती थी कच्चा तेल ऊंचे दामों पर आसमान को छू रहा था, जब सरकार के पेट्रोल और डीजल के रेट पर हमने काबू करके रखा हुआ था। जब भी ये प्रधानमंत्री श्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्या कहा करते थे, आपने भी देखा है, इनको जी साइकिल चलाते थे सचिवालय जाने के लिए और रोड प्रदर्शन करते थे। आज ये जब ये कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, लगातार 6 सालों से सरकार है, कौन सा ऐसा मुद्दा है, चाहे राजनीतिक बात की जाए, चाहे आर्थिक की जाए, विदेश नीति की बात की जाए, कौन से मुद्दे पर सरकार सफल हुई है, अंकुश जी मैं समझ नहीं पा रहा। और आज तो इसने हिटलर शाही की हद कर दी, कितना पैसा टैक्स के रूप में चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ये पैसा जा कहा रहा है अंकुश जी, लगातार जनता से चूसा जा रहा है टैक्स के नाम पे पैसा, 70% टैक्स मजाक बना दिया इस सरकार ने। आज लगातार महंगे करे जा रही है डीजल और पेट्रोल, जबकि मालूम है कि डीजल और पेट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और आम आदमी के पास पहुंचने वाली चीजें जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती है। दूसरी तरफ किसान परेशान है, उसके ध्यान देने वाला कोई नहीं है, उसके सुध लेने वाला कोई नहीं है, मजदूरों की कमर तोड़ के रख दी, आपने देखा कि आसमान के भाव दूसरी चीजें जा रही है। अरे इस हिंदुस्तान में आज आम आदमी का जीना दुभर हुआ है कोई जी। शुक्ला जी क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कोई नई बात नहीं है, लेकिन शुक्ला जी 16 दिन में लगातार दामों में इजाफा होना, आप 10 पैसे बढ़ा दीजिए, 20 पैसे बढ़ा दीजिए, लेकिन आप अगर एक महीने तक बढ़ाएंगे तो 3 से 4 रुपए बढ़ जाएंगे, 2 महीने बढ़ाएंगे तो 6 रुपए से ऊपर हो जाएंगे, तो ये कहां तक उचित है? अगर ये 10 पैसे 50, ठीक है आज तो ज्यादा नहीं बढ़ा, 50 पैसे मैं मान लेता हूं, लेकिन ये तो 16 दिन से लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना तो ये आवश्यक नहीं है कि लगातार महीने भर बढ़े 2 महीने बढ़े, विषय ये नहीं है। इस समय कोरोना की स्थिति सामने है, प्रत्येक राज्य आर्थिक स्थिति संकट से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से जी। ऐसी स्थिति में भी थोड़े बहुत दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो आज कांग्रेस भी कहीं से चिल्ला रही है कि साहब इन्होंने ऐसा कर दिया, भारी महंगाई हो गई। अभी कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहते हैं कि जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 83 रुपए पेट्रोल आपने बिकवाया था, और आज 6 साल बाद भी 70-75 के आसपास पेट्रोल है, तो पेट्रोल बढ़ा नहीं, लेकिन यही कांग्रेस की सरकार होती है डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए होते, लेकिन हमने इसको जो कॉन्सेंट करके रखा है, इसको स्थिर करके रखा, तो इसकी सफलता की गुंजाइश तो कांग्रेस समर्थन के रूप में नहीं होगी। लेकिन हाँ, यदि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति में प्रत्येक राज्य विषम परिस्थितियों में जीत रहे, सबको वेतन देना है, मजदूरों को सहयोग करना है, त्रस्तों को सहयोग करना है, गरीबों को सहयोग करना है, अर्थव्यवस्था करना है, थोड़े बहुत यदि दाम बढ़ गए तो ये स्थायी दाम नहीं बढ़ गए, और ये जैसी व्यवस्था सब नॉर्मल होगी, हर राज्य का प्रावधान जब नॉर्मल होगा तो निश्चित रूप से दाम गिरा दिए जाएंगे और दाम घटाए भी जाए, भविष्य भी घटाए गए, तो पेट्रोल के दाम बढ़ाना घटना तो लगा रहता है, लेकिन ऐसे दाम नहीं बढ़ा दिए गए कि अप्रत्याशित दाम बढ़ा दिए गए हो, जबकि अप्रत्याशित स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है, प्रत्येक राज्य के अंदर है, कोरोना के समय सारा काम काज सब है, रेवेन्यू गवर्नमेंट की बात है, आप गिरा दीजिए दाम बढ़ाए गए तो काम अभी तो बढ़ा रहे हैं ना, कि देश में जैसे तूफान आ गया हो। अरे ये चाइना बॉर्डर में संकट आता है तो प्रधानमंत्री से उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगते हैं, कोरोना काल में कोरोना में सहयोग करने के बजाय उल्टे सीधे प्रश्न पूछना, अरे भाई कभी सहयोग की दृष्टिकोण दशा और मनोदशा भी तो रखा करें कांग्रेस के मित्र, और अभी विपक्ष में 3-4 महीने इनको आए, इतनी जल्दी इतनी हताशा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको हम लपक के विरोध करने लगे, भ्रम फैलाने लगे, हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है तो देश हित में है नहीं है, भ्रम फैलाने लगे, मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है तो मध्य प्रदेश हित में नहीं है, भ्रम फैलाने लगे, ये स्थिति है। तो लगातार दाम बढ़ते नहीं जाएंगे, जितने दाम बढ़ाए गए तो ये कुछ आर्थिक विषम परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ाए गए, निश्चित रूप से हमको भी इस बात की चिंता है, किसानों को डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो ये दाम लिमिट में ही बढ़ाए जाएंगे, कोई ऐसे अनियंत्रित दाम नहीं बढ़ा दिए जाएंगे कि जनता को किसानों को गरीबों को परेशानी होने लगे, ये हमारा नहीं। लेकिन शुक्ला जी आपने कहा कि ठीक है दाम बढ़े हैं,
बाद में कम होंगे, ठीक है, हम मान लेते कम होंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने रेट जो है बहुत ज्यादा हाई कर दिए, 6 साल के अंदर नियंत्रित भी किया है, लेकिन अभी क्या जरूरत थी, वाकई में जरूरत थी कि रेट बढ़ाने की? कई लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे, मोदी जी ने अभी परसों लॉन्च किए नई योजना कि प्रवासी मजदूरों को लाभ मिले, रोजगार मिले, तो जब रोजगार नहीं है, मोदी जी खुद मानते हैं, तो मजदूरों को रोजगार नहीं है, बाकी लोगों को छोड़िए मिडिल क्लास का, तो अभी जरूर था। आपकी बात साफ रूप से मुझे सुनाई नहीं दी, फिर भी यदि रोजगार के संबंध में बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने इस दृष्टि से कहा कि जो कोरोना काल में जो मजदूर स्थापित हुए रोजगार के, उनको पुनः रोजगार के रूप में स्थापित करवा, सरकार उसके प्रयास कर रही है, सकारात्मक प्रयास है, अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत होना चाहिए। जो हमारे मजदूरों का काम छूटा है, जो अन्य राज्यों में अपने राज्यों में चले गए हैं, जो प्रवासी मजदूर थे उनको वापस लाना या वही रोजगार देना, रोजगार की व्यवस्था करना, ये सरकार की आवश्यकता होना चाहिए। संकट काल के बाद इसको सरकार ने प्रथम दृष्टया इसको अपने कदम के रूप में उठाया है। सरकार का मैंने ये सीधा प्रश्न, शुक्ला जी आप सुन नहीं पाए थे, मेरा सीधा सा प्रश्न ये था कि अभी क्या जरूरी था पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करना? क्यों? वो इसका रीजन ये है कि अभी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, आपकी सरकार खुद प्रयास कर रही है, प्रवासी मजदूर एक उदाहरण, मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बोला कि वो जैसे जैसे रोजगार उनको मिले उनका पेट पाले, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या कई लोग हैं, तो क्या अभी जरूरी था? आप ठीक है बाद में घटा देंगे, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि 1-2 रुपए आप कम भी कर लेंगे, लेकिन अभी जरूरी था बढ़ाना? ये आप भी समझते हैं, आप पत्रकार जगत से हैं, सामान्य सी बात है कि हर राज्यों में आर्थिक संकट पैदा हुआ है और कहीं ना कहीं से सरकार रिसोर्सेस तो आर्थिक रूप से बनाएगी, लेकिन उसमें ज्यादा बोझ गरीब जनता और मध्यम वर्ग को ना पड़े इसकी सरकार पूरी चिंता करेगी, भविष्य में चिंता करेगी। और ये जो रेट बढ़ाए गए स्थाई नहीं है, इनको बीच में घटाया भी जाएगा और घट भी जाते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन संकट काल में भी आर्थिक स्रोत के रूप में इसमें थोड़ा बहुत बोझ दिया गया है, तो इस संकट काल में हमें और विपक्ष को सहज स्वीकार करना चाहिए, इसको मुद्दा बनाकर लोगों में भ्रम संतोष फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में विपक्ष ने कहा कोरोना में साथ दे, कोरोना का नियंत्रण हो, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए विपक्ष काम करे और सहयोग करे, तो ये छोड़कर विपक्ष यदि आर्थिक रिसोर्सेज को सरकार बनाती है तो उसका भ्रम फैलाने और संतोष फैलाने का काम कर रही है। सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती है, सरकार की आर्थिक स्थिति की मजबूरी होती है, और ऐसा संकट काल कांग्रेस ही देख लेती तो देश बना हो जाता है, कांग्रेस सत्ता में होती, ये तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में हमने पूरे देश को संभाल के रखा, आर्थिक स्थिति को संभाल के रखा, और बॉर्डर में जो टेंशन कोरोना के साथ सामने दिख रहा, ये सारी विहम परिस्थितियों को झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक देश को प्रदेश से चला रही है। अंदाज करिए कांग्रेस बैठती तो क्या करती, ये तो बैठती बिना किसी कारण के 100 रुपए पेट्रोलाइज होता है कांग्रेस होती को, तो ये कांग्रेस किस हिसाब से ये प्रश्न उठाती है, जबकि कांग्रेस 75 रुपए पेट्रोल 83 रुपए पहुंचाने वाली जिम्मेदार कांग्रेस है, बिना किसी कारण से 35-37 रुपए जैसे लगभग हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पेट्रोल का भाव था, 10 साल में इन्होंने पेट्रोल 80-84 रुपए पहुंचा दिया, जरा कांग्रेस जवाब दे कि 10 साल में कौन सा संकट आ गया 84 रुपए आपने पेट्रोल पहुंचा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60 रुपए पेट्रोल बिकवाया, 50 रुपए डीजल बिकवाया, हमने सस्ता भी डीजल पेट्रोल बिकवाया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी संकटकालीन है, हम सहानुभूति कृषकों के प्रति, मजदूरों को समान वर्गों के प्रति रखते हैं, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां, और ये केवल मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य सरकार की आर्थिक मजबूरियां हैं, देश की मजबूरियां, उसके चलते थोड़ा बहुत यदि कराधान होता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। जी चलिए मिश्रा जी क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर कहना है शुक्ला जी का कि मजबूरियां होती हैं, लेकिन भरोसा रखिए कंडीशन ऐसी है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और कोरोना काल है, ये न सिर्फ भारत इस चीज को फेस कर रहा है, इस महामारी को, बल्कि पूरा विश्व कर रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा सब्र रखने की आवश्यकता है, क्या कहेंगे मिश्रा जी? अंकुश शुक्ला जी ने बहुत बड़ा भाषण दे दिया अभी, उन्हें ये समझ में नहीं आया मेरी कि आज बोले तो भाषण समझ में आता, बड़ी समस्या ये है, मजदूरों के लिए आपने क्या किया, उनको मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिए, आपने उनके आवागमन की व्यवस्था करी थी, किस तरह से पुलिस ने उनके ऊपर डंडों की बरसात की है, किस तरीके से 60 और 70 वर्ष का व्यक्ति 1500 किलोमीटर पैदल चले, आप कह रहे मध्यम वर्गी का ध्यान रखा जाएगा, अरे ये सब शिगुफे है, आप ये बताइए, आप कह रहे हो कि बॉर्डर पर चिंता है, अरे आपके मौसम काल में ऐसा
भवन साहब आ गए हमारा जो सुरक्षित है, आप विदेश नीति के मोर्चे पर पूरी तरह फेल हुए, नेपाल तक आके दिखा रहे हैं हमको, आप कह रहे हैं विदेश नीति, विदेश नीति में आपने ऐसा कौन सा बॉर्डर को मजबूत करने की कोशिश किया। आज भी चाइना हमारे सीमा के अंदर बैठा है जिसे गृहमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। आज मुझे भी मौका देंगे एक मिनट का, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है शुक्ला जी, पहले मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं। मिश्रा जी बोले जाइए, चाइना पे बड़ी सफाई दे रहे हैं 70 साल। नहीं नहीं मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं, शुक्ला जी मैं आपको मौका दूंगा। हिंदुस्तान में करवा रहे जिम्मेदार यही बैठे जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री करते थे कि चीन को फटकार लगा देंगे, आज तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान डर के भाग जाएगा। अरे आपके समय पर नेपाल तक आंखें दिखा करके खड़ा है, उस तक से तो निपटने की स्थिति सरकार की नहीं बन रही है। बातें करा लो, भाषण दिला लो। आज एक बार कांग्रेसी मित्र से पूछो, हिंदी चीनी भाईचारे का नारा देते 12,000 सैनिक मरवाते, मान सरोवर से लेकर के ये सारा हमारे जो हमारे भारत लाइन किसने दिया था, मुद्दा पैदा किसने तस्वीर में कोई करके दी थी, खड़े खड़े देखते हैं लगातार भारत का हिस्सा दबाता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी की वहां तैयार करे चीन से लेकर। शुक्ला जी आपको रख दूंगा मैं जल्दी, मिश्रा जी अपनी बात खत्म कीजिए, मेरे पास समय कम है, तो शुक्ला जी एक मिनट का वक्त आपको दूंगा। बिल्कुल जी मिश्रा जी जल्दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कांग्रेस जी को बताइए कि आपने जो 70 साल किया उसका परिणाम सामने है, लेकिन हम उससे सफलतापूर्वक निपट रहे, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमारे साथ है। आपकी तो हिम्मत नहीं होती थी रोड बनाने की, हमने 70% रोड बना दी, 73% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सर्वाधिक सामने आता सुरंग बनाने का काम सामने आया। आप कुछ नहीं करते थे, आप बॉर्डर पे आज चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना ऐसा कर रहा है, आज यदि चाइना कर रहा है तो आपके कारण ही ऐसा कर रहा है, आज यदि चाइना अटैक कर रहा है हमारे जवान वहां शहीद हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छा जिम्मेदारी कांग्रेस की है। बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी मिश्रा जी को सुन लेते हैं, मैं आपको बात दूंगा, मेरे पास समय कम है। मिश्रा जी अपनी बात खत्म कीजिए, एक मिनट आपको दूंगा शुक्ला जी। जी बोलिए, झूठ से बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। आप कहते हो चाइना के लिए बाइकट कीजिए, अरे पटाखे और झाड़े बंद करके हम चाइना को चाइना का जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान है उसको समाप्त करके बीसीसीआई को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को तैयार नहीं हो, आप अपने रोड के जो ठेके चाइना को दिए उसे निरस्त करने को तैयार नहीं हो, इस देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या कि बाइकट चाइना कर दो, चाइना की पीएम मत लाओ, पटाखे मत लाओ। अरे श्रीमान जी जो बड़े बड़े खाते आपने शुरू कर रखे, बीसीसीआई का टेंडर क्यों निरस्त नहीं हो रहा, जो चाइना को रोक के ठेके दिए वो क्यों बंद नहीं हुआ, जो बड़े बड़े सौदे आप कर रहे हो उनको निरस्त करने का प्रयास नहीं कर रहे। बोलने वाली जनता से कहते हो मैं परेशान हूँ, ये परेशान हूँ, मैं अर्थव्यवस्था को सुधारो, जबकि आपको देखा जाए हमको कि आप भी परेशानते हैं बहुत जरूर से मैं जानता हूँ, आप दे दीजिए नंबर, शुक्ला जी से बातें करने से थोड़े होगा, आप जनता को ठीक है ठीक है आप कोई हल नहीं। आपने देखा प्रवासी मजदूरों के साथ क्या होगा, कोरोना की बात करते, अरे कोरोना को लाने में आप बहुत बड़ा योगदान थे, क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लाइट के समय सभी क्यों नहीं की आपने, क्यों आपको मध्य प्रदेश की सरकार गिराने और अपनी सरकार बनाने में लगे थे, क्यों नमस्ते ठीक है मिश्रा जी सरकार नहीं जा रहे। चलो शुक्ला जी आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट का रख दूंगा आपको जल्दी, समय कम है। हेलो जी बोले शुक्ला जी। देखिए ऐसा हमारे कांग्रेस मित्र भी क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश की प्रदेश की जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सरकार महंगाई पर नियंत्रण की हुए, थोड़े बहुत दाम कहीं बढ़े हुए, उस पर चिंता करने की कांग्रेसियों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अब कांग्रेसी असंतोष फैलाना चाहते, भ्रम फैलाना चाहते राहुल गांधी से यहाँ तक, और इस पर जनता बिल्कुल भी इन पर विश्वास नहीं कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई की क्या स्थिति थी, 12% महंगाई रेट थी, हर चीज की होती थी, आज तो पेट्रोल के दाम बढ़े कांग्रेस के कार्यकाल में, इसलिए महंगाई के मामले में कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुरक्षा के मामले में कांग्रेस ने जो जो खिलवाड़ देश से किया उस पर बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं है। देश के चारों तरफ विकास के मामले में कहाँ खड़े जो हमारे साथ ज्यादा कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार किसी मामले में नहीं रह गया, जनता हमारे जिम्मेदारी समय आएगा देश की जनता को इसका लाभ मिलेगा, गरीब की सेवा होगी, हमारी मध्यम वर्गों की शुक्ला जी। ये हमारा शुक्ला जी मेरा ये सीधा सवाल है, मिश्रा जी क्यों ना बोलेंगे,
वो इसी देश के नागरिक हैं सर, डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के बढ़ेंगे, वो क्यों ना बोलेंगे? कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप छोड़िए, जितेंद्र जी इसके आदेश के नागरिक नहीं है, मैं नहीं हूं, तो वो बोलने का अधिकार है सबको। लेकिन मेरा सीधा से सवाल था कि महंगाई को कंट्रोल करने की बात हो रही थी शुक्ला जी। साहब बोलने का अधिकार तब होता है जब इन्होंने कभी चिंता की वो महंगाई की। आप बताइए 10 साल किस तरह महंगाई की आग से पूरे देश की जनता जलती रही, त्राही त्राही बोलती रही और जनता ने इनको पलट के रख दिया, बाहर कर दिया। तो इनका काम तो महंगाई के मामले में सामने देख रहा है, महंगाई से प्रेस जनता ने कांग्रेस को कुर्सी से बाहर किया। अब ये महंगाई की बात करें तो ये तो चुप तो नहीं लगता ना, ये अनुकूल तो नहीं लगता ना, कैसे एक महंगाई की बात कर रहे हैं? अरे तुमने देश की जनता को महंगाई 10 साल किस ढंग से त्रस्त किया है, कोने कोने की गांव की शहरों की जनता जानती है, देश के कोने कोने की जनता जानती है, और ये महंगाई की बात करें तो फिर बड़ा विचित्र बात लगती है, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्ला जी और मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के तौर पर अपना अपना पक्ष जरूर रखा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार जो इजाफा हो रहा है वो इसलिए काफी गंभीर होता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो सीधा सीधा असर उसका दैनिक उपयोगी वस्तुओं पर पड़ता है, यानी उनकी कीमतें बढ़ती हैं। तो क्या अभी कोरोना काल अभी चल रहा है लेकिन हम उस पर कंट्रोल पाने के लिए सतर्कता बरतते हुए अपना जिंदगी या दिनचर्या निकाल रहे हैं, लेकिन ये महंगाई की मार जो पड़ रही है ये ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अभी वर्तमान में 2 से 3 महीने का लॉकडाउन जो हमने झेला है वो काफ़ी ऐसा है कि कई लोगों की जॉब चली गई हैं और कई के रोज़गार जो चले गए हैं वो उनको पैसे नहीं मिले हैं, तो ऐसे में उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हैं। लेकिन ऐसे में पेट्रोल डीजल की मार अगर पड़ती है तो आम आदमी जो है, मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग का जो तबका जो है वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगा? बहरहाल देखना होगा कि सरकार प्रयास कर रही है और दावे किए जा रहे हैं कि हम बिल्कुल सब कुछ ठीक करेंगे, पटरी पर अर्थव्यवस्था लौटेगी, जिंदगी दोबारा से उसी रफ्तार से चलेगी जो कोरोना काल से पहले थी। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, DN पर खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार।